मोदी जी के नेतृत्व में देश के चार राज्यों में जो कमल खिला है वो एक बड़ा ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल आगमन उसके बाद हुआ है और ऐतिहासिक स्वागत अभिनंदन उनका इस जीत के बाद यहां पर हुआ है। आदरणीय नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा के चुनाव में हिमाचल में एक बार फिर कमल खिलाने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो आग्रह किया है और जो जोश भरा है, आपने देखा सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है वो अपने आप में दिखाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चार राज्यों में जीतकर चौका तो लगा है, गुजरात और हिमाचल जीतकर साल के अंत तक छक्का लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। राज्य आम आदमी पार्टी के कल आपने जो है तीन बड़े लोगों को जो है वो आपने ज्वाइन किया भाजपा में, इसी किस तरह से आपने कहा है कि वो करप्ट है, हमने उनको निकाला है। मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री, उनके ऊना के अध्यक्ष, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैंने कल ही उन सबको नड्डा जी के साथ मिलवाया था और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी करता हूं और हमने उनको कहा एक परिवार के रूप में काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में और लंबी लाइन ऐसे नेताओं की लग रही है जो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर आ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके आने से पार्टी को बल भी मिलेगा और जो लोग आज उन पर तंज कस रहे हैं, यही अंतर है दो दलों में। ये अपना पसीना बहाते थे आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए, आज उन पर आरोप लगाते हैं मनोज सिसोदिया जी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आखिर इतना भय क्यों है, डर क्यों है, ये खौफ क्यों है आम आदमी पार्टी में? आपके तो अभिनेता आए थे और आपके पार्टी का अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, जिलों के अध्यक्ष ये भी छोड़कर जा रहे हैं, अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त। हर सीट पर उत्तर प्रदेश में भी हुई और हिमाचल प्रदेश में भी हर सीट पर जमानत ही जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी या चुनौती बन पाएगी भाजपा के लिए, क्या कोई चुनौती पेश कर पाएगी जिस तरह का दावा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों? मुझे लगता है जहां सारी जमानतें जब्त इनकी हर सीट पर आम आदमी पार्टी की हुई और कांग्रेस की 97-98% सीटों पर जमानतें जब्त हुई, उसके बाद आप क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए क्या चुनौती होगी? लेकिन हम फिर भी हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, पहले से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं और केंद्र और प्रदेश की सरकारों के कामकाज को लेकर जन जन तक जाएंगे, एक बार फिर हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की जो रैली हुई थी आम आदमी पार्टी की, तो उसके बाद भाजपा जो है डर गई है और यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन। देखिए वहां पर क्या हुआ, अगर इतना ही होता तो आम आदमी पार्टी के नेता कम से कम हिमाचल के लोगों से मिलके तो जाते, वो तो पैर भी धरती पर नहीं उतारे, नेतृत्व परिवर्तन ना यहाँ पर वहां के हिमाचल के नेताओं को कहीं पर स्थान दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचलियों की अनदेखी की, हिमाचल की अनदेखी करने का काम किया और हिमाचल कभी इसको स्वीकार नहीं करता। तीसरी बार कह रहे हैं कि जो 8 साल तक ठीक नहीं थे वो आधे घंटे में ठीक नहीं रहे। 8 साल तक वो ठीक थे लेकिन आधे घंटे में वो ठीक नहीं रहे, वाह केजरी वाह। अनुराग जी, जैसा आपने कहा हिमाचल प्रदेश में और भी बड़े लोग हैं जो भाजपा में शामिल होंगे, क्या इसमें कोई कांग्रेस का बड़ा नाम भी शामिल होगा? देखिए अभी मैं सब सामने नहीं ला सकता, लेकिन जो संपर्क में आए, जिन्होंने इच्छा व्यक्त की मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, उन सबको हमने शामिल किया और पार्टी की विचारधारा के साथ। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में बहुत सारे लोग अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया और उन्होंने पूरी विचारधारा के साथ राष्ट्र निर्माण में देश को आगे बढ़ाने का और प्रदेशों को आगे बढ़ाने का हमारे साथ काम किया।